हेलो गाइस, दिस इज प्रिंसेस डॉली एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? सो गाइस, आज की वीडियो में जैसे टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा दैट आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। यस गाइस, मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती थी, आई वॉज इवन नॉट यूजिंग मॉइस्चराइजर ऑल्सो। तो उसके बाद यू नो लेटर ऑन मुझे पता चला दैट यू नो स्किन केयर क्या होता है एंड हाउ टू बिल्ड स्किन केयर रूटीन एंड एवरीथिंग। सो आज की वीडियो में मैं आपसे उसी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ कि एक स्किन केयर रूटीन होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकॉन भी क्लिक करना मत भूलिएगा गाइस। चलिए लेट्स बिगिन। करने वाली हूँ सबसे पहली चीज़ एक यू नो डबल क्लेंजिंग। सबसे पहली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्किन केयर में विच इज़ डबल क्लेंजिंग। डबल क्लेंजिंग करना क्या होता है? तो सबसे पहली चीज़, अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं या फिर आप दिन भर में जो कोई भी चीज़ लगाते हैं फेस पे, चाहे वो मेकअप हो यू नो इवन इफ इट इज़ कॉम्पैक्ट और सनस्क्रीन ऑल्सो, तो उसे रात को सोते समय उन सब चीज़ों को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी वजह से डबल क्लेंजिंग मैं यहाँ पर करती हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले अपना मेकअप जो है या फिर अपना सनस्क्रीन जो है वो मैं रिमूव करती हूँ एंड देन उसके बाद आई वॉश माई फेस विद अ जेंटल क्लेंजर। एंड मैं अपना मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ आई शो यू। कैन सी आई एम यूजिंग दिस इज माइसलर वाटर फ्रॉम सिंपल। बहुत ही जेंटल माइसलर वाटर है एंड आई एम टेकिंग कॉटन पैड, जस्ट गोना पुट इट हियर। एंड बहुत ही ईजी तरीका है, इतने जेंटली आपका जो पूरा मेकअप है, दिन भर का डस्ट है, पोल्यूशन है, जो कुछ भी हो आपके फेस पे, पूरा का पूरा इतने से कॉटन पैड पे आ जाएगा। आप मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट बहुत ही जेंटली आपको इसे रब करना है ऑल ओवर योर फेस, नेक पर भी, जहाँ पर भी आपने जो कुछ चीज़ें जो है लगाई हैं, एवरीथिंग यू जस्ट हैव टू रिमूव इट। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ रब करना है, बहुत ही जेंटली, वो भी। डबल क्लेंजिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गाइस क्योंकि आपके जो पोर्स है इसे पूरी तरह से क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को आपको अप्लाई करने से पहले। तो इससे अच्छी तरह से हम पोर्स क्लीन कर लेंगे, ताकि अगर हम मेकअप के साथ सोते भी हैं तो इट इज़ वेरी रॉन्ग हमारे फेस के लिए। बहुत अच्छी तरह अच्छी चीज़ नहीं होती है ये। हमें एक्ने उसी के वजह से आती है, जस्ट बिकॉज हम अपना फेस जो है वो अच्छी तरह से क्लीन नहीं करते हैं, इसीलिए तो इसे डबल क्लीन कहा जाता है। अगर आपको मिcelर वाटर नहीं यूज़ करना है, यू कैन ऑफ कोर्स यूज़ अ क्लेंजिंग बाम, जो कि बहुत अच्छे क्लेंजिंग बाम भी मिलते हैं मार्केट में। या फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ अ क्लीनिंग ऑयल, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन यू कैन ऑल्सो यूज़, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यू कैन ऑफ कोर्स यूज़ अ बेबी ऑयल, जॉनसन्स बेबी ऑयल, या फिर सादा सिंपल आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कुछ भी चीज़ें आपने लगाई है दिन भर में, वो रात को सोते समय आपको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपकी स्किन जो है पूरी तरह से क्लीन होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो देखिए मैंने कहा था सिर्फ कॉम्पैक्ट और लिपस्टिक मैंने लगाई है and you can see the dirt is here on the cotton pad। तो अभी मैं क्विकली जाके अपना फेस जो है वो फेस वॉश करके आ रही है and I'll see you in a minute। So here I am back and gently pad drying everything that I have। Yeah, so I just show you मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ माय फेस वॉश फ्रॉम डॉटिन की। इट्स अ बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश, जिसमें प्रोबायोटिक्स है एंड 5 एसेंशियल सेरामाइड्स भी है। एंड सेरामाइड्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये आप सभी को पता है, जैसे कि आलिया भट्ट ने भी अभी वीडियो किया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि सेरामाइड्स वो भी यूज़ करती हैं, शी ऑल्सो लव्स इट। सेरामाइड्स जो है वो अपने जो एजिंग को कंट्रोल करते हैं, दे ऑल्सो इलास्टिसिटी कंट्रोल करते हैं और अपना जो फेयर बनाते हैं, अपने स्किन को ग्लोई बनाते हैं। दैट्स वाई सेरामाइड्स आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर द स्किन। तो ये मेरा फेस वॉश है दैट आई ऑलवेज यूज़ एंड स्वेयर बाय दिस। आफ्टर दैट आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एक्ने प्रोन स्किन को किस तरह से मैं उसकी केयर करती हूँ ताकि मेरी स्किन अच्छी बरकरार रहे। सो लेट्स बिगिन। नाउ सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र विच इज़ फ्रॉम पॉन्ड्स। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ ये कि मैं रेटिनॉल यूज़ करती हूँ आफ्टर 25। ऑफकोर्स रेटिनॉल यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टू मेंटेन आवर स्किन इलास्टिसिटी, और उससे अपनी स्किन जो है वो ग्लूई बनाते हैं और उसे एक्सफोलिएट करके उसका चेंज इन कलर, ऑफकोर्स टेक्सचर चेंज होता है उसका। तो स्किन में रेटिनॉल यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू बिल्ड एंड मेंटेन द कोलाजन ऑफ योर स्किन। That's why I use retinol, and before that I am using here Ponds moisturizer। Moisturizer मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि रेटिनॉल जो है वो बहुत ही एक्सफोलिएटिंग फैक्टर उसमें रहता है, और समटाइम्स किसी को रेटिनॉल सूट नहीं करता है you know। और अब हमारी जो स्किन है एक्चुअली रेटिनॉल के एक्सफोलिएंट उसमें ज़्यादा होने के कारण हमारी स्किन को वो फ्लेकी बनाता है, ड्राई बनाता है समटाइम्स, और उसी के कारण ड्राईनेस ज़्यादा ना बढ़े इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पसंद करती हूँ। इसे कहते हैं सैंडविच मेथड। पहले हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, बीच में हम रेटिनॉल लगाएंगे, एंड देन आफ्टर रेटिनॉल ऑल्सो आई एम गोइंग टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र की एक लेयर। तो इसे एक सैंडविच मेथड के हिसाब से मैं ये लगाती हूँ। एक 10 सेकेंड में रुकूंगी एंड देन आई विल अप्लाई। मॉइस्चराइजर लगा के हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग फॉर द रेटिनॉल। ये है फ्रॉम द फॉक्सटेल। ये अभी लॉन्च हुआ था इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है एंड आई एक्चुअली लव दिस। और ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली भी है, तो कोई भी इसे लगा सकता है। आई थिंक अराउंड 600 ये मिलता है। आपको बहुत ही थोड़ी अमाउंट में लेना है, लाइक दिस मच इज़ ऑल्सो इनफ। और लगाने में आपको पैट नहीं करना है, सिर्फ आपको लगाना है आपके फेस पे, ऑल ओवर योर फेस। रेटिनॉल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द कोलाजिन बिल्डअप इन योर स्किन, टू मेंटेन द कोलाजिन, टू मेंटेन द इलास्टिसिटी। और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसलिए ये बहुत ही आपकी स्किन को नरिश करता है, एक्सफोलिएट करता है। एंड या That's it। जब तक अब हमारा रेटिनॉल सीरम एब्जॉर्ब होता है तब तक हम लिप बाम लगाते हैं। लिप बाम मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम निविया। ये मेरा बहुत ही पुराना फेवरेट है, दिस इज एन ओजी। तो That's it। नरिश्ड लिप होना मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। आई एम जस्ट क्रेविंग, ऑलवेज क्रेविंग फॉर लिप बाम्स। एंड या तो 2 सेकेंड 10-15 सेकेंड हो चुके हैं। ऑफकोर्स मैं जैसे कि मैंने कहा था फिर से मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, सेम उसी टेक्निक से। इस साइज अमाउंट में आपको लेना है एंड जस्ट पुट इट ऑन टू योर फेस। और आपको इस सीरम को लॉक कर देना है आपके फेस में। दैट्स इट। अगर आप चाहें तो उसके बाद थोड़ा बहुत मसाज कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है रात में थोड़ा सा रिलैक्सिंग मसाज या फिर वाशास्टिसिटी। एंड टू बिल्ड अप आईज कोलाजन ऑल्सो आई एम यूजिंग एन आई क्रीम विच इज़ फ्रॉम डर्माको। इट्स अ कैफेन अंडर आई क्रीम। डार्क सर्कल्स का मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मेरा जो आईज़ है उस डार्क सर्कल्स नहीं है। ये जो है दिस इज संकन आई से बोलते हैं, तो इसलिए इसे ऐसा लगता है कि मुझे डार्क सर्कल्स है, बट नो I don't have dark circles, I have sunken eyes if you can see। तो उसके लिए मेरी आईज बहुत पफी हो जाती है समटाइम्स एंड आई हैव sunken eyes, that's why I use कैफेन का अंडर आई क्रीम। और इससे भी बहुत ही थोड़ा लेना पड़ता है ऑफकोर्स, क्योंकि आईज पे आपको लगाना है। ओनली दिस मच यू हैव टू टेक एंड जस्ट आपको इसे अच्छी तरह से रब करके जस्ट पुट इट अंडर योर आई। और अंडर आइज की जो स्किन है सबसे ज़्यादा थिकन होती है, इसलिए हमें बहुत ही लाइटली इसे अप्लाई करना होता है, बहुत ही लाइटली। एंड दैट्स इट। ये हो गया मेरा स्किन केयर। थोड़ा सा उसके बाद आप थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजर लेके अपने अंडर आई पे पैट कर सकते हैं, जस्ट टू लॉक द अंडर आई क्रीम दैट वी पुट, दैट्स इट। और ये हो गया मेरा अंडर आई सेट। सो दिस इज माई स्किन केयर। यू कैन सी बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्किन केयर है। एंड स्किन केयर को बिल्ड करना, स्किन केयर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही बार लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे और हो जाएगा। नो, यू जस्ट हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंटिन्यूसली आपको ये करना है। आई थिंक इट्स लाइक, यू नो, इट्स लाइक योगासन और इट्स लाइक एक्सरसाइज, राइट? तो यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग इट। और जिस तरह से आप करते जाएंगे, एक ही दिन में इसका रिजल्ट तो नहीं आने वाला है, बट जब आप करते जाएंगे अपने आप ही आपको पता चलते रहेगा कि आपकी स्किन इज़ इम्प्रूविंग, आपका स्किन केयर ऑफ कोर्स इज़ वर्किंग। और कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप एक बार हाथ पर या नेक पर इस साइड पे पैच टेस्ट करके प्रोडक्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट हर कोई स्किन टाइप को सूट नहीं करता है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू पैच टेस्ट, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप चाहे। इसके लिए आप सेफोरा में जाकर भी एग्जाम्पल के लिए आप उनसे सैंपल मांग सकते हैं या फिर वहाँ पर भी टेस्ट कर सकते हैं बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट। तो जस्ट टू गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड येस गाइज, आई थिंक आई एम डन विद दिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए मिलते हैं जल्द ही। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।